सावधान, यमुना फिर उफान पर। दिल्ली पर फिर आया संकट, यमुना खतरे के निशान के पार। पानी का वार, यमुना का रिकॉर्ड तोड़ प्रहार। कैसे बचाएंगे दिल्ली को इस बार? क्या दिल्ली डूबने वाली है? दिलवालों की दिल्ली पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, क्या देश की राजधानी डूबने वाली है? ये सवाल एक बार फिर इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि यमुना एक बार फिर उफान पर है और खतरे के निशान को पार कर गई है। केजरीवाल सरकार इससे निपटने की पूरी तैयारी के चाहे लाख दावे कर रही हो, पर दिल्ली वालों के चेहरे पर यमुना के बढ़ते पानी का खौफ साफ नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी के फिर खतरे के निशान से ऊपर बहने की खबरें हैं। आज सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 205.75 मीटर रहा। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक आज शाम को यमुना का जलस्तर 206.7 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है। बता दें कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से यमुना में फिर से उफान है। 206.70 मीटर का मतलब खतरे के निशान से काफी ऊपर है। शाम तक यमुना का जलस्तर और बढ़ा तो निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने का अनुमान है। ऐसे हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। वहीं हिंडन नदी के उफान पर होने की वजह से नोएडा के कुछ इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। निचले इलाकों में जहां पानी भर गया है वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। साथ ही प्रशासन की तरफ से अपील है यमुना नदी के पास ना जाने की।